हे एवरीवन, वेलकम टू रिवाइंड स्टार्स। आज की वीडियो का टोन थोड़ा सा सैड होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में जिन्होंने सिर्फ 20 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आज हम जानेंगे फितूर और बार बार देखो जैसी मूवीज में कैटरीना कैफ की यंगर सेल्फ और कहानी 2 में विद्या बालन की डॉटर का रोल कर चुकी तुनिशा शर्मा की जर्नी के बारे में। गाइस, 4 जनवरी 2002 को पैदा हुई तुनिशा ने सिर्फ 12 साल की उम्र में अपना टेलीविजन डेब्यू किया था। 2015 में सोनी टीवी पर चल रहे एक हिस्टोरिकल शो भारत के वीर पुत्र राणा प्रताप में, फिर उसी साल कलर्स टीवी के एक शो चक्रवर्ती अशोक सम्राट में तुनिशा ने राजकुमारी अहंकारा का रोल प्ले किया। ये शो लगभग 1.5 साल तक एयर हुआ, जिसके 442 एपिसोड्स टेलीकास्ट किए गए। मैं एक एक करके आपको कुछ खिलाऊंगी और आपको पहचानना होगा कि मैंने आपको क्या खिलाया। इवन उसी साल सोनी टीवी पर चल रहे इंडियन जुडिशियल सिस्टम पर बेस्ड एक टीवी शो भंवर के एक एपिसोड में भी तुनिशा ने काम किया। फिर 2016 में डिज्नी इंडिया के एक सिटकॉम शो गब्बर पूंछ वाला में भी तुनिशा ने काम किया। वेल, मीट माय वन एंड ओनली क्यूटी पाई डॉटर सानिया। हेलो। इनफैक्ट 2016 में ही तुनिशा ने अपना हिंदी फिल्म डेब्यू किया आदित्य रॉय कपूर और कैटरीना कैफ की फिल्म फितूर में। इस फिल्म में उन्होंने कैटरीना कैफ के कैरेक्टर फिर दोस्त की यंगर सेल्फ का रोल प्ले किया। इवन इसके बाद है कैटरीना की फिल्म बार बार देखो में भी कैटरीना की यंगर अपीयरेंस के लिए तुनिशा शर्मा को ही साइन किया गया। कुछ मेरे राज तेरे राज आवारा से खो गए हम कहां। और फिर उसी साल आई विद्या बालन की फिल्म कहानी 2 में तुनिशा ने एज ए सपोर्टिंग एक्ट्रेस काम किया। ये क्या हुआ आपको? फिर ईयर 2017 में लाइफ ओके पर चल रहे हिस्टोरिकल ड्रामा शो शेर ए पंजाब महाराजा रंजीत सिंह में तुनिशा ने रंजीत सिंह जी की फर्स्ट वाइफ महारानी महताब कौर जी का रोल प्ले किया। आजकल मुझे बड़ा फक्र महसूस हो रहा है खुद पर। तलवारबाजी जो सीख रही हूँ वो छोटी बात थोड़ी है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम तो मिसाल हो। हाँ वही। मम्मा कहते हैं वो यहाँ कैसे हो सकता है, वो तो चंडीगढ़ में पढ़ाई कर रहा होगा इस टाइम पे। तो फाइनली फिर मैं वेला नहीं कह रही, मतलब पढ़ाई हद हो गई है। फिर ईयर 2018 में कलर्स टीवी के एक शो इंटरनेट वाला लव में तुनिशा ने शिविन नारंग के अपोजिट लीड रोल प्ले किया। मैं क्या करूं सोच के, और तुम तो बहुत सोचती हो ना, तुमने क्या उखाड़ लिया? तुमने कभी सोचा भी है कि जब घर जाओगे तो क्या जवाब दोगे घर वालों को? इस शो से तुनिशा के करियर को काफी बूस्ट मिला, जिसके 155 एपिसोड्स टेलीकास्ट हुए। इवन इस शो में एज आध्या वर्मा उनका कैरेक्टर इतना पॉपुलर रहा कि एज आध्या वर्मा उन्होंने कलर्स टीवी के 2 अलग अलग शोज इश्क में मर जावा और सिलसिला बदलते रिश्तों का में स्पेशल अपीयरेंस भी दिया। इवन 2018 में आई एक फिल्म क्रीना में भी तुनिशा ने काम किया। बाहर नहीं जाओगे और अगर जाओगे भी तो सेनापति अर्जुन। फिर ईयर 2019 में जी टीवी के एक शो इश्क सुभान अल्लाह में तुनिशा ने शो के वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स का रोल प्ले किया। इस शो के 588 एपिसोड्स टेलीकास्ट हुए। इवन 2019 में आई फिल्म दबंग 3 में भी तुनिशा का कैमियो अपीयरेंस था। के लिए सर प्लीज हमारी हेल्प कर दीजिए सर, नहीं तो वो लड़कियों को उठा कर ले जाएंगे, उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी सर प्लीज। फिर ईयर 2021 में सब टीवी के एक शो हीरो के सीजन 2 में तुनिशा ने एएसपी अदिति जामवाल का रोल प्ले किया। कानून हूँ, एएसपी अदिति जामवाल। इवन एज एएसपी अदिति जामवाल तुनिशा के इस कैरेक्टर का न्यू ईयर स्पेशल एपिसोड में मैडम सर और वागले की दुनिया में क्रॉसओवर भी देखने को मिला। फिर उसी साल 2021 में तुनिशा के 3 म्यूजिक वीडियोस रिलीज हुए और पहला था मानव गीत गिल का पंजाबी सॉन्ग सरदारी चैप्टर 1। इसके बाद आया विशाल मिश्रा का सॉन्ग प्यार हो जाएगा। तुमको भी जाना मुझसे प्यार हो जाएगा। फिर राज बर्मन और जीत गांगुली के सॉन्ग नैनो का ये रोना जाए ना में भी तुनिशा ने काम किया। इसके बाद साल 2022 में सेम सिंगर राज बर्मन के 3 और म्यूजिक वीडियोस में तुनिशा को कास्ट किया गया और पहला सॉन्ग था तू बैठे मेरे सामने। इसके बाद आया सॉन्ग नवा नवा दिल टूटया। नवा नवा दिल टूटे दर्द होना दो पल दी कहानी ना समझ। फिर आया पानी ना समझ। इसके अलावा 2022 में आए अभी दत्त के म्यूजिक वीडियो हीरिये में भी तुनिशा को ही कास्ट किया गया।
एंड करंटली सब टीवी पर चल रहे शो अली बाबा दास्ताने कबूल में तुनिशा शर्मा एज लीड एक्ट्रेस शहजादी मरियम का रोल प्ले कर रही थी। आप मोहब्बत हासिल करने जा रहे हैं डकैती करने? अरे अगर हिम्मत ही दिखानी है तो उसे अगवा करके नहीं बल्कि उसे प्यार से। और इसी शो के सेट पे 24 दिसंबर 2022 को तुनिशा ने सुसाइड करके अपनी जान दे दी। और ये थी तुनिशा के सुसाइड से कुछ ही घंटे पहले की इंस्टाग्राम स्टोरी और पोस्ट। तो आज के लिए बस इतना ही। भगवान तुनिशा की फैमिली को इन सब से डील करने की स्ट्रेंथ दे एंड मे हर सोल रेस्ट इन पीस।